क्या ये जो लास्ट सिक्सटी डेज बचे हुए हैं इसमें आप अपना बेस्ट देके अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो अगर आप इफेक्टिवली ये जो टाइम बचा हुआ है इसको आप यूटिलाइज करते हो तो यू कैन अदरवाइज यू कैन नॉट आपको लग रहा होगा कि अभी दिसंबर है दिसंबर आने वाला है एंड दिसंबर जनवरी दो महीने हैं आपके पास बट इफेक्टिवली यू डोंट हैव दिस सिक्सटी डेज क्यों पता है क्योंकि ये जो थर्टी डेज इन दिसंबर है एंड थर्टी डेज इन जनवरी है तो दिसंबर जनवरी इस थर्टी डेज में लगभग आप मान लो ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी आप स्टडी कर पाओगे सो मैक्सिमम डेज डेज एंड इस 50 में भी मैं प्लान में आपको आगे बताऊंगा कि वीकेंड में आपको रिविजन करना है तो इफेक्टिवली स्टडी का जो कोर स्टडी का जो दिन है वो आपके पास लगभग फोर्टी डेज है कुछ ऐसा दिन जाएगा जब आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि इस टाइम पे बहुत सेल्फ डाउट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है कभी कभी

December, then मैं केमिस्ट्री का अगर बात करूं तो टोटल जो सब्जेक्ट है हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो मैं केमिस्ट्री की मान के बात कर रहा हूं केमिस्ट्री में जितना मेजर सेगमेंट्स है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सेक्शन इनऑर्गेनिक सेक्शन फिजिकल सेक्शन मैथमेटिक्स सेक्शन ये चार सेक्शन में से आपका कोई स्ट्रॉन्ग सेगमेंट होगा और आपका कोई वीक सेगमेंट होगा वीक सेगमेंट आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए उसको ठीक है वीक सेगमेंट मतलब जिसका सिलेबस आपने ज्यादा कंप्लीट नहीं किया तो उसको आप प्रोफाइल वन मान लो और चैप्टर वन मान लो प्रोफाइल वन प्रोफाइल वन में क्या रहेगा जो कि आपका वीक सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया या बहुत कुछ ड्यू है तो वो पी वन में जाएगा पी टू में उससे जिसका हालत थोड़ा सा बेटर है सपोज आपका पी वन हो सकता है आपका ऑर्गेनिक पी टू हो सकता है फिजिकल एंड पी थ्री हो सकता है इनऑर्गेनिक सो पी थ्री बेसिकली चैप्टर का आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कि इसका मैंने सिलेबस मैक्सिमम एटलीस्ट बाकी दोनों से तो अच्छा ही किया जो साथ, साथ पी थ्री है तो एक सेगमेंट हमारा टोटल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें प्लस मैथ तो टोटल ऐसे आपको बाइफर्केट करना है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एंड मैथमेटिक्स ये चार सेगमेंट को ठीक है अब जो दिसंबर है दिसंबर से ही आपका प्लान स्टार्ट हो रहा है ठीक है दिसंबर में आई विल टेक फोर वीक इन वीकली मैनर आई विल टेक एंड प्लान इसको अपने अकॉर्डिंग आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिट करना है वीक वन वीक टू वीक थ्री वीक फोर वीक वन में आपको क्या करना है हर एक वीक पे ऐसे देखो वीक वन पे आपको पी वन न्यू पढ़ना है पी वन में आपको बहुत कुछ छूट गया था ना बहुत कुछ आपने सिलेबस का बहुत कुछ कंप्लीट नहीं किया तो पी वन का न्यू पढ़ना है पी टू का रिवाइज करना है पी थ्री मैथ का रिवाइज करना है सो so, यह है आपका वीक वन का काम अब जितना चैप्टर आपके पास बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बाइफर्क्रेट करोगे मैं वो बताता हूं पहले ध्यान से प्लान सुनो। ये जो वीक टू है इसमें भी आपको क्या करना है पी वन का न्यू पढ़ना है पी टू का रिवाइज करना है एंड पी थ्री एंड मैथ का रिवाइज करना है मैथ अगर आपने नहीं किया है तो वो भी इसी सेगमेंट में करना है ठीक है वीक में क्या करना है पी वन का न्यू करना है पी टू का रिवाइज करना है पी थ्री का मैथ का रिवाइज करना है अब पी वन में सपोज आपका छह चैप्टर बचा हुआ है या तीन चैप्टर बचा हुआ या चार चैप्टर बचा हुआ है जो भी हो जितना भी सिलेबस बचा हुआ है उसको आपको ये तीन सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर पी टू में जितना आपने करा है जितना आपने पढ़ा है पी टू में वो आपको रिवाइज मतलब जो आपने पढ़ा है उसको मतलब जो आपको रिवाइज करना है उसको आप ऐसे तीन पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे लगभग इक्वल पोर्शन में डिवाइड करोगे uh, हिस्सों में ऐसे, तो ऐसे आपका टोटल पी वन का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा पी टू रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा एंड पी थ्री मेन्स का भी रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा नाउ ये जो वीक फोर है इसमें टू का आपका कुछ चैप्टर छुटा हुआ होगा पी का भी एक दो चैप्टर या किसी चैप्टर आपका वीक होगा P3 का P3 हो, तो का सपोज आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है है तो हो सकता है। एक एक चैप्टर या सब सेक्शन आपसे छूट गया हो तो उसको कंप्लीट करना है रिमेनिंग न्यू रिमेनिंग न्यू पोर्सन दटमीन्स जो सेक्शन के न्यू चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सपोज पीसी आपका ऑर्गेनिक है एंड पीसी में आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो ये जो रिमेनिंग न्यू है यहाँ पर आप ये केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट करोगे प्लस ये जो तीन वीक मैंने लिखा है इट इज नॉट कि इतना स्मूथली आप देख रहे हो टेबल में बट इतना स्मूथली नहीं चलेगा तो ये तीन वीक में जितना बैकलॉग होगा फेस्टिवल नहीं कुछ नहीं नो ईयर पार्टी नो न्यूर पिकनिक आपको क्या करना है ये लास्ट वीक जो है लास्ट वीक में ही हम जनरली ज्यादा एंजॉय करते हैं ठीक है वो सब छोड़ो एग्जाम सामने है ज्यादा दिन नहीं है तो लास्ट वीक का तो आपको तो जो रिमेनिंग न्यू चैप्टर है वो करना है प्लस आपको ये ये बैकलॉग कवर करना है है ठीक नाउ हो गया आपका पूरा दिसंबर. पूरा दिसंबर दिसंबर में आप देख रहे हो कि आपका सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है एंड पी टू पी थ्री का रिविजन भी कंप्लीट हो चुका है अब आ रहा है मोस्ट क्रूशियल मंथ जनवरी जनवरी में भी बहुत अच्छे से देखो वीक वन वीक टू वीक थ्री वीक फोर अब जनवरी में कैसे प्लान करना है बहुत ध्यान से देखना वीक वन पे आप क्या करोगे पी वन प्लस पी टू पूरा पी वन प्लस पी टू में आपने जितना भी पढ़ा हुआ है ये जो पी वन है ये जो पी टू है जितना भी इसका आपने पढ़ा हुआ है वो सबको दोबारा से रिवाइज करना है कैसे करना है मैं बता रहा हूं। इस वीक में आपका काम क्या है हर एक चैप्टर को एक बार पढ़ना पी वन का एक बनाना है आपका शॉर्ट नोट जो कि मैक्सिमम एक चैप्टर के लिए दो पेज का होगा एक चैप्टर का मैक्सिमम शॉर्ट नोट का पेज होना चाहिए दो पेज का दूसरा क्या करना है एक ब्लैंक शीट ब्लैंक शीट में क्या करना है देखो मैं ब्लैंक शीट कैसे बनाना होता है मैं दिखाता हूं अच्छे से ब्लैंक शीट में सपोज आपका आप बना रहे हो थर्मोडायनेमिक्स का ब्लैंक शीट और मैं एक दूसरा चैप्टर ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हो ब्लैंक शीट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का सो so, आपने लिखा यहां पर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या है उसका आपको फॉर्मूला नहीं लिखना उसका जो टॉपिक का नाम लिखना है बस सपोज आपने लिखा फोर टाइप ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपने जस्ट लिखा फोर उसके बाद आपने लिखा फर्स्ट वन जो फर्स्ट क्वालिटी इसमें एक लॉ था एक रूल था लॉ लिख के ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो फिर उस लॉ में था उस लॉ में से मोलर मास कैसे निकालना है जो सॉल्यूट का है मास कैसे निकालना है वो फॉर्मूला क्या था फिर टू फिर थ्री यहां पर आप लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मुला क्या है फिर लिखो अगर दो सोल्यूशन एक का वन है वॉल्यूम वॉल्यूम है 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 दूसरे का सी है, है, तो वो दो सोल्यूशन का अगर मैं मिक्स करू तो वो मिक्सचर का पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा तो ऐसे करके जितना भी आपने अपने थ्योरी में पढ़ा है उसको ऐसे लिखो कि उसका आंसर इस शीट में ना हो ये पूरा शीट अब इसका पूरा आंसर आपका वो शॉर्ट नोट पे होना चाहिए तो आप क्या करोगे ये जो पूरा शीट लेके आपको बाद में बैठना है मैं वीक फोर का बात बताऊंगा ये पूरा शीट लेके आपको बैठना है एंड पूरा पूरा आपको मतलब करना है इसको इंग्लिश में बोलते हैं करना मतलब ये पूरा पूरा चैप्टर चैप्टर में में आपको लिखा पूरा में आपने क्या क्या पढ़ा है क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़ा है तो वो टॉपिक का पूरा नाम लिखा हुआ है तो वो देख के ना आपको याद करना है सपोज आपका ऐसे याद करना है अच्छा जो वेंट ऑफ फैक्टर था उसका फॉर्मूला क्या था वेंट ऑफ फैक्टर था आई तो ओके तो आई का मतलब था जो नॉर्मल जो क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी बाई एबनॉर्मल क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी और जो एबनॉर्मल मास बाई नॉर्मल मोलर मास ओके तो इसको अगर मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा तो पाई इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा I -1 N -1. तो ऐसे जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं आएगा उसको जल्द से जल्द वो जो शॉर्ट नोट है उससे नहीं देखना ठीक है याद करने की कोशिश करना है क्योंकि अगर एग्जाम में एक फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाए तो आप बेसिकली एक क्वेश्चन मिस कर जाओगे एंड इसका कोई बेनिफिट नहीं कि आपने पढ़ा हो अगर एग्जाम में याद ना आए तो इट्स बेसिकली यू आर इन ए वॉर एंड यू हैव ए गन बट देयर इज नो बुलेट इफ यू फॉरगेट दैट मींस यू हैव ए गन विथ नो बुलेट एंड यू आर इन ए वॉर माइंडेड तो जो शॉर्ट नोट है उसको भी रिवाइज करते रहना है एंड जो ये जो ब्लैंक शीट है इसको भी रिवाइज करते रहना है कब बताता हूं तो ये जो वीक वन है इस पे आपको सारे चैप्टर का पी वन पी टू का ये शॉर्ट नोट बनाना है ब्लैंक शीट बनाना है शॉर्ट नोट मैक्सिमम दो पेज का लार्ज चैप्टर में दो पेज स्मॉल चैप्टर में एक पेज उसमें क्या क्या लिखना है बस जो आपका याद नहीं रहता सपोज आप जो पैरल रिएक्शन है उसका फॉर्मुला आपको याद नहीं रहता उसका रेट एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रहता तो सिर्फ वो एक्सप्रेशन लिखना है यहां पर सपोज आपका एंथर रिएक्शन में वन बाई जीरो अगर आपको याद नहीं आता तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगा तो वो जो आपको याद नहीं रहता तो वो आप यहां पर लिखो ठीक है वीक टू में क्या करना है पी थ्री प्लस मैथ ये जो चैप्टर्स है इसका शॉर्ट नोट बनाना है एंड ब्लैंक शीट बनाना है ओके वीक थ्री में जितना शॉर्ट नोट आपने बनाया मिनिमम दो बार रिवाइज करना है जितना ब्लैंक शीट आपने बनाया है उसको दो बार रिवाइज करना है इज इट क्लियर नाउ आता है मोस्ट क्रूशियल वीक दैट इज वीक फोर और द लास्ट वीक बिफोर एग्जाम ठीक है मोस्टली एग्जाम संडे होता है तो एग्जाम के एग्जाम का वीक में आपको क्या करना है बहुत ध्यान से देखना पर ये आपका एग्जाम है एग्जाम डेट है ठीक है ये सपोज संडे है आपका एग्जाम डेट तो इसके पहले छह दिन ओके okay? वन 2 3 4 5 6 जो p1 था p2 था p3 प्लस मैप था सो so, इस डे पे आपको p1 p2 डिवाइड करना है इस डे पे आपको p2 p3 डिवाइड करना है इस डे पे आपको p1 p3 डिवाइड करना है ठीक है कैसे रिवर्स करना है मेन नोट खोल के भी मत देखना सिर्फ ये आपके पास सिर्फ ये जो शॉर्ट नोट्स है एंड ये जो ब्लैंक शीट है ये होना चाहिए तो इससे बहुत बहुत जल्दी रिविजन होगा हर एक चैप्टर का आप देखोगे की आधे घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा तो पी वन पी टू डे वन में पी टू पी थ्री डे टू में पी वन पी थ्री डे थ्री में ठीक है एक डे बफर है इसका भी कुछ बैकलॉग बनेगा हो सकता है पी वन में बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं तो पी वन का सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपने सपोज कंप्लीट नहीं कर पाया तो ये एक बफर डे है ठीक है इसमें मतलब आपको ये पहले जो चार दिन है इसमें ये पूरा कंप्लीट करना होगा ठीक है तो टारगेट ऐसे ही बनाओ कि पी वन पी टू पहले दिन में ही खत्म हो जाए बैकलॉग ना बचे एंड जो लास्ट दिन है इसमें तो सब सब्जेक्ट करना ही है कोई एक दो चैप्टर अगर छूट गया है जो कि टॉप फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी चैप्टर में से नहीं आता तो वो छूट जाने दो ठीक है मैटर हो सकता है उसमें से क्वेश्चन ना आए एंड हो सकता है क्वेश्चन आए फिर भी आप उसे सॉल्व ना कर पाओ पॉसिबल सो so, एक दो चैप्टर अगर ऐसे छूट गया है तो छूट जाने दो तो लास्ट जो दो दिन है एग्जाम के दो दिन एग्जाम के मतलब प्रीवियस डे एंड उसके पहले तब आपको पूरा सब कुछ ही रिविशन करना है पी वन पी टू पी थ्री मैथ सब कुछ एंड उसमें भी सिर्फ ये जो शॉर्ट नोट है एंड ये ब्लैंक शीट है इससे क्लियर सो so, एग्जाम के पहले दिन आपका कितना राउंड रिविजन हो गया आप देखो यहाँ पर आपका जो पी टू पी थ्री है ये एक बार आपको यहाँ पर रिवाइज हो रहा है पी वन तो आप नया पढ़ रहे हो ठीक है एंड उसका रिविजन एक बार यहाँ पर हो रहा है उसका रिविजन एक बार वीक थ्री में हो रहा है है ना तो तीन बार एंड वीक फोर में या चार बार ये मान लो तो चार बार ठीक है एंड एग्जाम के दो दिन पहले पढ़ पाओ तो पांच बार अब इस प्लान को फॉलो करो एंड संडे को मुस्कुराते हुए एग्जाम देने जाओ एकदम चिल ओके सो आई होप अगर आप डेडिकेटेडली ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप देखना आपका जो अगर ये फॉलो नहीं करते हो ना डेडिकेटली फॉलो नहीं करते हो तो आपका स्कोर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं होगा एंड अगर ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू आपका रैंक बहुत इंप्रूव होगा बहुत नाउ इट्स टाइम फॉर टॉप फिफ्टीन चैप्टर्स ठीक है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हो या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो डिफरेंट से स्टैटिस्टिक्स देता है कि टॉप टेन फाइव टेन फिफ्टीन चैप्टर्स देखना नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे सर्च करो आपको स्टैटिस्टिक्स लेना है वो छूटना नहीं चाहिए आपसे ऐसा ना हो कि आपने तीन चैप्टर पांच चैप्टर छोड़ दिया है वो टॉप फिफ्टीन में आ रहा है नो ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसे टॉप फिफ्टीन चैप्टर आप कंप्लीट करो एंड आपका प्लान आप इसी अकॉर्डिंग बनाओ मैं एक टेम्पलेट दे सकता हूँ आपको आपका क्योंकि हर एक का प्रिपरेशन का यू नो लेवल अलग 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 है अलग है capability learning, capability अलग है सिचुएशन कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी लर्निंग तो जनरलाइज नहीं कर सकते बट हम एक टेम्पलेट दे सकते हैं जिसमें सब लोग फिट हो तो यही है वो टेम्पलेट जहां पर आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर जो टारगेट है आपको फुलफिल करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक पूरा प्लान बनाओ पहले इस वीडियो देखने के बाद एक ही जो चैप्टर है इसका लिस्ट लिस्ट रेडी करो एंड उस को एक कॉपी में लिखो लिख के उसको स्टडी रूम है जहाँ पर, उसके दीवार पे ठीक है उसको फिर ये जो प्लान मैंने बताया इस प्लान को एक ब्लैंक शीट लो एफ शीट लो या पेज लो उसमें अच्छे से ड्रॉ करो कि कब क्या क्या करोगे एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चैप्टर आपने कंप्लीट किया हुआ है क्या क्या चैप्टर आपका न्यू है क्या क्या चैप्टर पढ़ना है मतलब ये सभी बैकलॉग है है ना जो कंप्लीट है उसका तो अपना करना है एंड वो कैसे करना है सब कुछ मैंने बता दिया एंड ये ये जो न्यू है अब टोटल टारगेट है अब ये जो टोटल टारगेट जब आप आप बाईफर्केट करोगे तब उसको आप ऐसे इसमें फिट करो तो ओवरऑल आपको क्या करना है अभी आपको ये टॉप फिफ्टीन चैप्टर्स लिखना है टॉप फिफ्टीन चैप्टर्स में से देखना है कितना आपने कंप्लीट किया हुआ है कितना आपको रिवाइज करना है ठीक है वो लिस्ट बनाओ एंड वो लिस्ट बना के आपको इस पैटर्न में उसको बाइफ़र्केट करना है बाइफ़र्केट करके जहां पर आप बैठते हो उसके सामने ही ग्लू स्टिक से जो भी है स्टिकी नोट जो भी है उससे आपके सामने आप जब पढ़ने बैठो तो ये टारगेट आपके सामने होना चाहिए ठीक है एंड ऐसे बहुत जोश एंड एनर्जी के साथ प्रिपेयर करो यू विल डेफिनेटली गेट वाट यू वॉन्ट ऑल द बेस्ट जय श्री कृष्णा राधे राधे